Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पैथोलॉजी विद अजय पर। आज का हमारा लेक्चर है हेपेटाइटिस वायरस। हेपेटाइटिस वायरस क्या है, हेपेटाइटिस वायरस का ट्रांसमिशन किस तरह से होता है और हेपेटाइटिस टेस्ट हम कैसे लगाते हैं, ये सब इस वीडियो में देखेंगे। हेपेटाइटिस नाम से ही, हेपेटिक नाम से ही देखते हैं, इसका डायरेक्ट संबंध लीवर से होता है। हेपेटिक यानी कि लीवर। हेपेटाइटिस वायरस है, यह लीवर सेल्स को डैमेज करता है, लीवर को अफेक्ट करता है, ठीक है, और इसके कारण लीवर में लीवर सिरोसिस, लीवर कैंसर, लीवर फेलियर जैसे गंभीर बीमारियां होती हैं। हेपेटाइटिस 5 प्रकार के होते हैं, हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एंड हेपेटाइटिस ई वायरस। अभी हम लोग जो टेस्ट लगाते हैं सिर्फ हेपेटाइटिस बी वायरस का एंड हेपेटाइटिस सी वायरस का, ए डी और ई का नहीं लगाते हैं। हेपेटाइटिस ए वायरस है जो यह शॉर्ट टर्म डिसीज है, यह मतलब थोड़ा सा ट्रीटमेंट लेने के बाद ठीक हो जाती है। हेपेटाइटिस बी एंड सी थोड़ा सा गंभीर डिसीज हो जाती है, थोड़ा ठीक तो नहीं होता है, बाकी अब नॉर्मल जीवन यापन कर सकते हैं दवाइयों के द्वारा, ठीक है। हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन भी अवेलेबल है, बी का भी अवेलेबल है, सी का वैक्सीन अवेलेबल नहीं है अभी, ना ही डी का ना ही ई का है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी यह सरफेस एंटीजन्स होता है ना, इससे अपन टेस्ट लगाते हैं। यह सरफेस एंड हीरम सीरम एंड प्लाज्मा में एंटीजन्स पाए जाते हैं, इससे अपन यह एंटीजन डिटेक्ट करते हैं सीरम और प्लाज्मा से, ठीक। हेपेटाइटिस वायरस फैलता किस तरह से है, इसका ट्रांसमिशन किस तरह होता है। हेपेटाइटिस वायरस सबसे पहले इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा, या इन्फेक्टेड मदर है ना और उसकी डिलीवरी होती है तो बच्चों में फैलने के चांस बढ़ जाते हैं, है ना, और इन्फेक्टेड ड्रग्स एडिक्ट होते हैं, एक ही निडल को कई बार शेयर करते हैं अलग अलग व्यक्तियों में, तो उससे उसके वो चांस बढ़ जाते हैं। पे हॉस्पिटल में कोई स्टाफ है या पे ना कर्मचारी है तो जो इन्फेक्टेड ब्लड होता है, जो निडल है उसको चुभ जाए, है ना, तो इस तरह से भी उसका चांस बढ़ जाता है। और सेक्सुअली ट्रांसमिशन के द्वारा भी इसके चांस बढ़ जाते हैं फैलने के, इन सब कारणों से हेपेटाइटिस फैलते हैं, इन्फेक्टेड ब्लड कॉन्टेक्ट, ठीक है। और हेपेटाइटिस का इसके साइन और सिम्टम्स क्या है, कैसे पता करते हैं कि मतलब मोस्टली इसके कोई ज़्यादा साइन सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जो डाइंग और लीवर रहता है इसमें अपन दर्द होने लगते हैं, पेट में दर्द होने लगता है, ठीक है। लीवर डैमेज होता है तो बढ़ जाता है, बिलरुबिन की मात्रा बढ़ने लगती है ना, क्योंकि लीवर सेल्स हैं जो डैमेज हो जाते हैं, इसके जो नॉर्मल फंक्शंस हैं, जो एंजाइम्स निकलते हैं, सीक्रेट होते हैं, वो सब एबनॉर्मल हो जाते हैं, जिससे बॉडी में एबनॉर्मल कंडीशन पैदा हो जाती है, ठीक है। आगे अपन वीडियो में देख रहे हैं कि ये टेस्ट लगाते किस तरह से हैं हेपेटाइटिस। ये हमारे पास हेपेटाइटिस का बॉक्स है, टेस्ट किट का बॉक्स है, ये देखिए दिख रहे हैं, यह हमारा हेपेटाइटिस का बॉक्स है, ये गवर्नमेंट सप्लाई है, नॉट फॉर सेल, किसी का कंपनी का नाम नहीं लिखा है इस पर, ठीक है। ये देखिए हेपेटाइटिस बी रैपिड कार्ड टेस्ट है ना, लेटरल फ्लो होता है, फॉर डिटेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन या एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट है, ठीक है। इसमें 10 कार्ड निकलते हैं, डिस्पोजेबल ड्रॉपर्स वगैरह रहते हैं, लास्ट डेट इसकी है एक्सपायरी डेट January 23 ना। इसको अपन खोल, आज हम हेपेटाइटिस बी वायरस टेस्ट लगा के देखेंगे, इसको ओपन कर देते हैं, टैप लगा हुआ है, इसमें क्या क्या निकलता है ये सब इस वीडियो में देख रहे हैं। ये अपना खोल लिया, इसमें सबसे पहले एक लिटरेचर निकलता है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी रहता है ना, इसमें सब कुछ लिखा रहता है, जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनमें एग्ज़ाम में किस तरह से लिखना है वो इससे देख सकते हैं, है ना, इसमें सब लिखा रहता है, है ना, इंटेंडेड यूज क्या है, इसका प्रिंसिपल्स क्या है टेस्ट का, है ना, किट में कौन कौन सा कंटेंट निकल रहा है, इसका स्टोरेज क्या है, टेस्ट प्रोसीजर क्या है, ये सब
बहुत बेनिफिट है लिमिट है ना, ये सब सारी चीज़ें लिखा हुआ है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसको साइड में रखते हैं। अब इसमें ये निडल्स हैं और ये इस पर ट्रैब हैं। इसके बाद इसमें ड्रॉपर्स निकले हुए हैं जिससे अपन सीरम और प्लाज्मा टेस्ट किट में ऐड करेंगे टेस्ट लगाते समय। ये है हमारी किट हेपेटाइटिस बी रैपिड कार्ड टेस्ट, ठीक है। इसका रिजल्ट 20 मिनट के अंदर अपन को रीड करना रहता है, ठीक है। ये हमारी टेस्ट किट है ना, इसको ओपन करने के बाद हमें ये किट रिसीव्ड होती है, ठीक है। ये हेपेटाइटिस बी वायरस की किट है, ठीक है। ये इधर सैंपल डालते हैं सीरम या प्लाज्मा, 2 ड्रॉप्स डालना रहता है ना। ये सी है यानी कंट्रोल, ये टी है यानी टेस्ट, ठीक है। अगर सी में इसमें क्या होता है, कलर लाइन आती है ना हल्की रेड पिंक कलर की, देखो अपन टेस्ट लगा रहे हैं। ये हमारा ड्रॉपर, ड्रॉपर निकाला। ये हमारे सैंपल्स, इसमें जो ऊपर है ना सुपरनेडेंट, ये प्लाज्मा है, नीचे सेल्स है, तो हमको जो ऊपर का प्लाज्मा निकालना है, दिख रहे हैं, ठीक। ये अपन ने ओपन किया, इसमें अपन प्लाज्मा निकालेंगे। ये प्लाज्मा निकाली, इसमें डालना है 2 ड्रॉप्स, 1 2 ड्रॉप डाल दिए, ठीक है। इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। इसका रिजल्ट फिर हम 20 मिनट बाद देखेंगे, मतलब 20 मिनट के अंदर इसको रिजल्ट का फिनिश करना है, समझ गए। 20 मिनट तक रखना नहीं, उसके बाद नहीं देखना है। रिजल्ट बहुत काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, फास्ट आ जाता है। ये देखिए ये आगे बढ़ रहा है, ये देखिए 2 ड्रॉप डाला था प्लाज्मा। इसे अपन क्लॉट सैंपल भी ले सकते हैं, सीरम ले सकते हैं, और एंटीकोगुलेंट में EDTA एंड हेपेरिन या CPD ब्लड बैंक जो एंटीकोगुलेंट यूज होते हैं CPDA वो अपन ले सकते हैं। ये देखिए ये टी लाइन आ गया, यानी कि ये हेपेटाइटिस पॉजिटिव है, ठीक। ये पॉजिटिव जब मानेंगे जब अपन सी में आ जाए यानी कंट्रोल आ जाए, जब अपन इसको टेस्ट पॉजिटिव कहेंगे, ठीक है। इसलिए हम पहले से टेस्ट लगा चुके थे पॉजिटिव का, इसलिए हम आपको दिखाने के लिए कि पॉजिटिव किस तरह से आता है, ठीक है। एक हम टेस्ट लगाएंगे अभी नेगेटिव का, ये हमारी दूसरी टेस्ट किट है, ठीक है। इस पर हम दूसरा सैंपल लेते हैं, ये हमारे पास एक दूसरा सैंपल लिया हमने ना, इसका भी हम टेस्ट लगा के दिखाएंगे कि नेगेटिव किस तरह से होता है, पॉजिटिव किस तरह से होता है। ये देखिए ये हमारा कंट्रोल लाइन भी आ गई है, ये कंट्रोल लाइन है, ये टेस्ट लाइन है, ठीक है। कंट्रोल लाइन आना अनिवार्य होता है, अगर कंट्रोल लाइन नहीं आती है तो ये टेस्ट किट है जी इनवैलिड है, यानी कि ख़राब है ना, इसका टेस्ट रिजल्ट अपन नहीं मानेंगे। कंट्रोल लाइन आना कंपलसरी है। अपन दूसरी टेस्ट में किट लगा रहे हैं, ये 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप डाल दिया है। अब इसका रिजल्ट देखते हैं अभी। ये देखिए ये हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, ठीक है। और दूसरा अपन अभी लगाए हैं, इसका देखते हैं। ये देखो ये लेटरल फ्लो हो रहा है ना, ये बोलते हैं ना लेटरल फ्लो, ये लिख दे रहा है लेटरल फ्लो, ये उसको रिजल्ट अपन को 20 मिनट तक वेट करना है, 20 मिनट के बाद नहीं करना है। सैंपल 2 ड्रॉप्स या 70 माइक्रोलीटर आप पेट से भी ले सकते हैं, या फिर आप 2 ड्रॉप इसमें डाल सकते हैं ड्रॉपर की हेल्प से, उसका रिजल्ट आ जाएगा। बहुत ही ईजी टेस्ट है,
ना मैनुअल है, बहुत अच्छे से क्वालिटेटिव टेस्ट होता है ये, है ना। उसमें जो ये एंटीजन डिटेक्ट है डिटेक्शन टेस्ट होता है, यानी जो सीरम प्लाज्मा में जो एंटीजन्स हैं हेपेटाइटिस वाई के, बी वायरस के या सी वायरस के, वहाँ डिटेक्ट करके इसमें वो ये वो जो स्ट्रिप रहती है वाइट कलर की, इसमें इम्यूनो क्रोमेटोग्राफी एंटीबॉडीज रहती है, ठीक है। अगर आपके ब्लड में सीरम प्लाज्मा में एंटीजन्स हैं उसमें एंटीबॉडीज रहती है, अगर एंटीजन्स हैं तो वो एक बाइंड करके ना तो एक कलर फॉर्म में लाइन प्रोवाइड कराती है यहाँ पे, अगर नहीं रहती है तो वो प्रोवाइड कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होता है, वो कलर बाइंड नहीं होता है। ये देखिए ये यहाँ पर अपना टेस्ट टी पे जो टेस्ट है निगेटिव नहीं है, कोई भी लाइन नहीं है, और सी पे लाइन आ गई है यानी कंट्रोल आ गया है, तो ये टेस्ट निगेटिव है, ठीक किट भी सही हो टेस्ट निगेटिव है, कंट्रोल लाइन आना अनिवार्य है, ठीक है। इसमें भी सी है, इसमें भी सी में भी आ रही है, कंट्रोल टेस्ट निगेटिव है, ठीक है कंट्रोल, ठीक है। ये पॉजिटिव है और ये नीचे वाला निगेटिव है, देख रहे हैं, ठीक। थैंक यू।